हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल आसानी क्लासेस में। आज का वीडियो डिस्कस करेंगे स्पार्कलर फिल्टर के बारे में कि स्पार्कलर फिल्टर क्या होता है एंड इसकी वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पार्कलर फिल्टर होता क्या। तो देखिएगा, स्पार्कलर फिल्टर एक फिल्ट्रेशन मशीन है जो कि प्रेशर फीडिंग के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, एंड स्पार्कलर फिल्टर का जो यूज होता है वो अनफिल्टर्ड लिक्विड को फिल्टर करने के लिए किया जाता है, या दूसरे शब्द में बोलें तो किसी लिक्विड में प्रेजेंट सस्पेंडेड सॉलिड या अनवांटेड एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए स्पार्कलर फिल्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसकी बात करें कि स्पार्कलर फिल्टर का यूजेस क्या है, मतलब एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कि किस किन किन टाइप्स की इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है। तो जनरली इसका जो यूज होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्रीज, पिगमेंट इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज एंड कुछ और इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कंपनी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। कंपनी का नाम है सन मशीनरी। ये सेकेंड हैंड मशीनें सेल करते हैं, जैसे जो मशीनें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, इन सब टाइप्स की इंडस्ट्रीज में जो मशीनें यूज होती हैं, जैसे कि पंप, रिएक्टर, ड्रायर, एफबीडी, वीटीडी, सेंट्रीफ्यूज, एनएफडी, स्पार्कलर फिल्टर, फिल्टर प्रेस, ये सब जो इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि इन सब टाइप्स के इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो ये सब इक्विपमेंट इनके यहाँ सेकेंड हैंड में अवेलेबल है। तो यदि किसी को भी आवश्यकता हो या कंपनी से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्यूरीज हो तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कंपनी का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप कंपनी के ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो यदि कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये बात आती है कि इसका स्पार्कलर फिल्टर का एमओसी क्या है, यानी कि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि किस मटेरियल से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, तो इसका जो एमओसी होता है, जनरली इसका एमओसी एसएस का होता है, यानी कि इसको एसएस से बनाया जाता है, यानी कि स्टेनलेस स्टील से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। वो भी स्टेनलेस स्टील में भी टाइप्स होते हैं। तो इसमें देखिए, आपके जनरली थ्री टाइप्स से इसको बनाया जाता है, एक एसएस 304, एक होता है एसएस 316 और एक है एसएस 316L। ठीक है, जनरली थ्री टाइप्स के एसएस से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। हालांकि स्टेनलेस स्टील के और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन जनरली इन्हीं तीनों टाइप्स के एसएस से इसकी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप्स का प्रोडक्ट इसमें यूज करना है, किस टाइप्स के प्रोडक्ट के लिए आप कौन से टाइप्स का एसएस यूज करेंगे, मतलब प्रोडक्ट के भी यहाँ पे इसका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, कि कौन से टाइप्स का एसएस का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि इसके पार्ट्स के बारे में, कि कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं। तो देखिएगा, इसमें देखिए ये आपको एक दिख रहा होगा, एक सिलिंड्रिकल सेल होता है। ठीक है, एक एसएस का एक सिलिंड्रिकल सेल होता है। ठीक है, जिसके दो पार्ट होते हैं, ऊपर का जो डूम होता है वो अलग हो सकता है, नीचे का जो पार्ट होता है वो क्या रहता है, सपोर्ट के थ्रू, सपोर्ट लैग के थ्रू क्या रहता है, एक प्लेटफॉर्म पे माउंटेड रहता है, मतलब फिट रहता है। ठीक है, और ऊपर का जो डूम होता है वो क्या रहता है कि क्लैम्प्स के थ्रू क्या रहते हैं, टाइट रहते हैं, इनको क्लैम्प को खोल के इसको उठाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सिलिंड्रिकल सेल होता है। ठीक है, और इसके अंदर की बात करें तो इसके इनर साइड में एक प्लेट बंडल होता है। ठीक है, एक प्लेट बंडल होता है जिसमें बहुत सारी प्लेटों का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें जो प्लेट की संख्या होती है वो डिपेंड करता है स्पार्कलर फिल्टर की कैपेसिटी पे, कि कितनी इसकी कैपेसिटी है, उसके भी आप पे इसमें प्लेट की संख्या होती है। उस प्लेट में ये भी होता है कि कितने केक उसमें आ सकते हैं, वो अलग चीज है। यहाँ पे हम आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बता रहे हैं, तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझ लीजिए क्या होता है। तो इसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट का डायमीटर भी अलग अलग डाय का होता है। वो सभी चीज़ें डिपेंड करता है कि इसकी कैपेसिटी पे, प्लेट की संख्या, प्लेट की डाया, जैसे मान लीजिए डाया किसी के 8 इंच होती है, 15 इंच होती है, ऐसे इसकी जो संख्या होती है, कोई 15 प्लेट होते हैं, किसी में 36 प्लेट तक होते हैं। तो मतलब वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पे। ठीक है, तो ये क्या रहते हैं, इसके बीच में प्लेट बंडल होते हैं। ठीक है, अब इस प्लेट का अरेंजमेंट क्या कैसे होता है वो देख लीजिए। तो देखिएगा, जैसे उसमें क्या रहता है, जैसे एक प्लेट लगाया गया, उस प्लेट के ऊपर क्या रखते हैं, एक परफोरेटेड सपोर्टेड स्क्रीन लगाते हैं। वो क्या होती है, एक स्क्रीन होती है, वो अलग अलग मेस नंबर की होती है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसके भी आप पे वो स्क्रीन का मेस नंबर चूज किया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या रहता है, एक फिल्टर पैड लगाया जाता है। फिल्टर पैड भी के भी माइक्रोन होते हैं, जैसे 0.1 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन, 1.0 माइक्रोन, तो वो डिपेंड करता है वो भी प्रोडक्ट पे। ठीक है, उसके भी यहाँ पे फिल्टर पैड को भी लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, दूसरा प्लेट लगाया जाता है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। और इसके बीच में देखिए क्या रहता है, एक होलो पाइप होती है। ठीक है, होलो पाइप होती है, और इसमें इंटरलॉक ऐसे होते हैं कि मतलब इसके जो यहाँ से फीड, यहाँ से क्या होता है, इसमें सेंटर से फीडिंग
होती है जो फीड जाता है, यानी कि अनफिल्टर्ड लिक्विड, वो क्या रहता है इसमें जगह रहता है बीच में, वो प्लेट में क्या होते हैं दोनों साइड जा सकते हैं ऐसा इधर इंटरलॉक होता है, ठीक है। और ये जो प्लेट्स होती हैं इनको टाई रॉड के थ्रू क्या किया जाता है, टाइट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए साइड में टाई रॉड लगे रहते हैं, ये साइड टाई रॉड कहे जाते हैं, ठीक है। और बीच में एक सेंटर टाई रॉड होता है, तो इन टाई रॉड के हेल्प से क्या किया जाता है, इन प्लेट्स को अच्छी तरीके से टाइट कर लिया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब ऊपर साइड देखिए एक वेंट लगा हुआ है, वेंट का काम क्या रहता है कि जब इसमें मान लीजिए जब फिल्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, जब इसको फिर से खोलना रहता है, तो उस कंडीशन में वेंट से इसमें जो भी प्रेशर होल्डअप रहता है उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। और ऊपर एक प्रेशर गेज दिया रहता है, ये आपका आउटलेट का प्रेशर शो करता है, ठीक है। और नीचे जो आपका देखिए, ये जो आपको हम बताएं सेंटर से फीडिंग होती है, तो ये फीड लाइन होती है, और ये फीड लाइन जो होती है एक पंप से कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पंप यूज किया जाता है वो जनरली 3 टाइप्स के पंप यूज होते हैं, जिनमें से सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा, या तो लूप पंप होगा, या तो आपका गियर पंप होगा, ठीक है। तो इन्हीं तीनों पंप में से किसी एक टाइप्स के पंप का यूज किया जाता है, ठीक है। और फीड लाइन में देखिए आपका एक सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है, ये सेफ्टी वाल्व जो होता है वो इसलिए लगाया जाता है किसी कारणवश यदि इसमें कोई ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया, तो उस कंडीशन में सेफ्टी वाल्व से क्या होगा, प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा, कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका इनलेट प्रेशर गेज रहता है, जो कि इनलेट की जो आपका फीड इनलेट कर रहा है उसका प्रेशर यहाँ पे शो करता है, ठीक है। और इधर देख लीजिए, इधर नीचे देखिए इसी लाइन से एक ड्रेन लाइन होती है ड्रेन करने के लिए, और इधर ये जो आपका सिलेंडर सेल है इसमें से एक कनेक्ट रहता है आपका फिल्ट्रेट आउट, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है, यानी कि फिल्टर प्रोडक्ट है फिल्ट्रेट होने के बाद वो यहाँ से निकलता है, ठीक है। अब इसकी अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग देख लीजिएगा, तो जैसे मान लीजिए जिस भी लिक्विड का हमें फिल्ट्रेशन करना रहता है उस लिक्विड को इस पंप के थ्रू क्या करते हैं, इसके इस लाइन से फीड लाइन से क्या करते हैं, इसको सेंटर में एंट्री कराते हैं, ठीक है, इसको फीड करते हैं। जब ये फीड होता है तो जब ये ऊपर जाता है तो देखिएगा यहाँ से मान लीजिए इसकी फीडिंग हो रही है, ठीक है। अब ये फीड होता है तो होता क्या है कि इधर से ये जब ये प्लेट्स पे आएंगे तो यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि ये जो फीड होते हैं ये दोनों साइड क्या रहते हैं, ऐसे निकलने लगते हैं, दोनों साइड इधर भी निकलेंगे इधर भी निकलेंगे, ऐसे हर एक प्लेट पे निकलते जाएंगे। और ये जो प्लेट्स होती हैं इन प्लेट्स के बीच में देखिएगा नीचे साइड में क्या रहता है, एक होल रहता है, यहाँ पे ऐसे होल रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये लिक्विड निकलते हैं तो ये इनके बीच उसके बाद क्या होता है, एक पैड आता है आपका, उसके नीचे क्या रहता है, परफोरेटेड स्क्रीन रहती है, ठीक है। तो इसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, यानी कि जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं या जो आपकी इम्प्योरिटीज है, वो क्या होते हैं उस पैड पे जम जाते हैं, यानी कि केक फॉर्म बना देते हैं, वो केक बन जाता है उस पे। और जो आपका फिल्टर्ड लिक्विड है वो क्या होता है, इस होल से क्या होता है, निकल जाता है, इस होल से इस प्लेट के थ्रू क्या होता है, निकल के इस एरिया में आ जाता है, इस रीजन में आ जाता है। ये जो आपका सेल है, सेल के इनर साइड में क्या होता है, ये आते रहते हैं, इस होल से निकलते रहते हैं दोनों साइड से, और इसमें इकट्ठा होते रहते हैं। और यही मतलब पूरे प्लेट्स में यही प्रक्रिया होती है कि उसमें जो फिल्टर पैड होते हैं उन पे जो आपका सस्पेंडेड सॉलिड है वो क्या रहेगा, केक बन जाएगा उसका, मतलब उस पे जम जाएगा और लिक्विड फिल्टर होके यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। और यहाँ से जो आपका फिल्ट्रेट आउट है, यहाँ से क्या होगा, वो आउट हो जाएगा, यानी कि आपका जो भी लिक्विड था वो फिल्टर होके यहाँ से आपका प्रोडक्ट निकलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह ये वर्क करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि कैसे वर्क करता है। अब इसमें देखिए जब आपका फिल्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद इसको एक चीज़ और समझ लीजिए कि इस स्पार्कलर फिल्टर को जीरो होल्डअप फिल्टर भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई भी होल्डअप नहीं बचता। वो उसके लिए क्या होता है कि या तो मान लीजिए जहाँ से आप फीडिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फीडिंग कर रहे हैं किसी आप रिएक्टर से, अगर फीडिंग कर रहे हैं तो या तो रिएक्टर में प्रेशर ले लिया जाता है नाइट्रोजन का, या तो इस लाइन में नाइट्रोजन का प्रेशर, मतलब जब आपका फिल्ट्रेशन होने के बाद एंडिंग में यहाँ से नाइट्रोजन मार देते हैं, तो उससे क्या होता है इसमें जो भी होल्डअप रहता है वो फिल्ट्रेट आउट से, मतलब यानी कि जो फिल्ट्रेट आउट लाइन है वहाँ से जो भी फिल्टर होकर यहाँ पे जो लिक्विड रहते हैं वो सब निकल जाते हैं। यहाँ पे आपका केवल उस फिल्टर पैड पे केक बचता है। तो जब आपका पूरा होल्डअप निकल गया उसके बाद आप वेंट से क्या करते हैं, इसको इसमें से प्रेशर रिलीज कर देते हैं, उसके बाद इसको आपको इन क्लैंप्स को खोल के इस डूम को ऊपर उठा लेते हैं, फिर इन टाइरॉड को क्या करते हैं खोल के उसके बाद एक एक प्लेट निकालते हैं, और उसमें जो भी मतलब जो फिल्टर पैड है उन पे जो केक बचे जमे हुए हैं उन केक को क्या किया जाता है, स्क्रैप कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगेन फिर इसको क्या किया जाता है दूसरे बैच के लिए, फिर उसको इसी प्रकार से फिर कंटिन्यू कर दिया जाता है, मतलब फिर से टाइट करेंगे, फिर से आपका फीडिंग करेंगे, फिर आपका फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह ये वर्किंग करता है, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्पार्कलर फिल्टर कैसे वर्क करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।